तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इसमें देखोगे तो फॉर लेवल फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 600 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलो मान लो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कुछ 600 ऑलरेडी दिया हुआ है रेजिस्टेंस आ, इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊँ, वोल्ट मीटर किस में लगता है मेरे भाई? वोल्ट मीटर पैरेलल में रखता है, तो यहाँ से करंट आई हो रही है और ए और बी, तो बी जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के अक्रॉस है वही तो आर का मेजरमेंट देगा, ठीक है। तो अब आइडियल अगर वोल्ट मीटर देखोगे, आइडियल वोल्ट मीटर, तो आइडियल वोल्ट मीटर की जो रीडिंग हो, जो आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, वो तो अधिक होती है। मतलब वोल्ट मीटर का, ये जो वोल्ट मीटर यूज हुआ, ये भी तो वायर का है यार, कुछ इसमें भी तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हम मैक्सिमम रखेंगे, जितना ज़्यादा अच्छा रख सकेंगे तब जाके हमारी रीडिंग अच्छी आएगी। उस केस में यहाँ से आइडियल केस में तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब मैं इस वाले ब्रांच में जो करंट है वो मिनिमम रखूँगा। बात आ रहा समझ में? तो अगर मैं करंट मिनिमम रखना चाहता हूँ, इसमें करंट मिनिमम रखना चाहता हूँ, इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखूँ और आइडियली इन्फिनिटी, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 600, अगर ये 600 ओम का है तो मैं दो वोल्ट मीटर लगाता हूँ, एक 1000 और एक 4000। तो 4000 वाला ज़्यादा अच्छा होगा, न कि 1000 वाला होगा। तो 4000 फर्स्ट, ए इज नॉट करेक्ट, तो ये बहुत है इनकरेक्ट, ए भी गलत है, ए इज करेक्ट, ए भी गलत है, बहुत ए करेक्ट, ये भी गलत है, मतलब ए ऑप्शन सही है। दूसरा, वोल्ट मीटर विद हाई रेजिस्टेंस ड्रा स्मॉल करेंट, बिल्कुल सही बात है। जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होगा तो यहाँ से जो करंट आएगी वो मिनिमम होगी, समझ रहे हो? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। तो आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।